है, तो उतने पेजेस छोड़ दो तुम, और उसके बाद सेट्स। और कल याद रखना, कल अपनी एक्स्ट्रा क्लास है सेकेंड स्लॉट में। कल तुम्हारा सेकेंड स्लॉट में कुछ नहीं लगा है तो वहां पे मैथ्स की क्लास होगी। सेट्स के लिए 3 लेक्चर लगते हैं, तो 3 लेक्चर मिल जाएंगे हमें आसानी से, आज का, कल का और फिर थर्सडे के दिन। तो कल हमारी सेकेंड स्लॉट में क्लास होगी, ध्यान रखना है सभी लोग। तो सेट्स, तो लिख लो इसमें इसकी डेफिनेशन। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में। एक तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, एंड सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए उस कलेक्शन के, डिफरेंट होने चाहिए, तो उसको हम कहेंगे सेट, उस कलेक्शन को। ठीक, पहले तो वेल डिफाइंड एंड सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट, तो वो एक हमारा सर, सेट होगा। हाँ सर एक बार रिपीट कर दीजिए डेफिनेशन। हाँ ठीक है, लिखो। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले कैसा होना चाहिए, कलेक्शन वेल डिफाइंड एंड देन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होना चाहिए। देखेंगे हम एग्जांपल से वेल डिफाइंड कैसा होता है। फिर उसके बाद सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल ए बी सी, मतलब कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, और सेट एक कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का। तो मान लो अगर ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन देन हम इसको कैसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इफ ए इज नॉट एलिमेंट, ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वहां पे आ जाएगा ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है? तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को हम सेट्स कहते हैं। सेट्स को जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट में आने वाला एलिमेंट। एंड सेट में अगर हमें रिलेशन दिखाना है तो वहां पे हम यूज करते हैं साइन कौन सा, बिलोंग्स टू का, ये वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो वेल डिफाइंड कैसे होते हैं वो देख लेते हैं हम। तो लिख लो एग्जाम्पल, ग्रीक अल्फाबेट्स नहीं आते हैं अभिषेक, कैपिटल लेटर्स ही होते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ग्रीक अल्फाबेट में कहीं पे रिप्रेजेंट किया हुआ नहीं मिलता है सेट। तो एग्जाम्पल बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट। तो पहला है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास। फिर सेकेंड है कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द सिटी। लिख लो ये एग्जाम्पल, बताना है ये सेट है या नहीं है। पहला है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, सेकेंड है कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द सिटी, थर्ड कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स,
कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, फिर उसके बाद फोर्थ में कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर, कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है, तो ये चार एग्जांपल है। थर्ड में कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स है एंड फोर्थ में कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो पहले वाले के ऊपर आ जाते हैं हम, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्या ये सेट है क्या? नो सर। सेट है क्या ये? क्या लग रहा है, वेल डिफाइन होगा ये? नो सर। क्यों नहीं होगा वेल डिफाइन? क्राइटेरिया नहीं है सर कोई स्पेसिफिक, मतलब जैसे मान लो तुम बताओ अनिश का, कैसे स्टूडेंट्स को तुम इंटेलिजेंट मानते हो बताओ, परसेंटेज वाइज। चलो परसेंटेज एक क्राइटेरिया रखते हैं, कौन से परसेंटेज के आगे स्टूडेंट्स को तुम इंटेलिजेंट मानते हो? क्योंकि मार्क्स पे तो डिपेंड करती है वो सब कुछ। सर 85 to 90। ओके चलो 85 to 90, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं पूछूंगा आर्या से, तुम्हारे लिए क्या रहेगा वो परसेंटेज का क्राइटेरिया उसके आगे वाले इंटेलिजेंट? कौशल तुम बताओ। अच्छा आर्या के लिए 90 to 95। चलो ठीक है, दो लोगों का सेम आ गया लेकिन अनुष्का का तो अलग है, अनुष्का ने बोला 85। मतलब यहाँ पे इंटेलिजेंसी का क्राइटेरिया पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। अब जो बंदा फेल हुआ है उसको एक बार जाके पूछो, वो तो बोलेगा जो पास हो रहा है वो इंटेलिजेंट है, मतलब उसके लिए तो क्राइटेरिया 35 का रहेगा। तो इस तरीके से पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है वो, तो इसकी वजह से ये पहला जो कलेक्शन है उसको हम सेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो वेल डिफाइन ही नहीं है इंटेलिजेंस का। मतलब अगर किसी एक के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा क्राइटेरिया और दूसरे के रिस्पेक्ट में देखने के लिए गए तो वो अलग आ गया, तो इसकी वजह से वो वेल डिफाइन नहीं है, तो पहला वाला सेट नहीं है, ठीक है। दूसरा सेट है क्या? नो सर। नो सर नहीं है। अब हर एक के लिए अलग अलग रहता है ब्यूटीफुल गर्ल्स का क्राइटेरिया, ठीक है, तो उसकी वजह से ये भी कलेक्शन एक सेट नहीं होगा। तीसरा वाला होगा क्या बताओ? यस सर। अब सभी के लिए नेचुरल नंबर्स तो सेम है, वो थोड़ी चेंज हो रहे हैं, तो हर एक के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 यही आने वाले हैं, तो तीसरा सेट है, ठीक है। चौथा सेट है क्या? यस सर। यस सर। क्योंकि सभी के लिए इवन प्राइम नंबर तो 2 ही रहने वाला है, तो इसकी वजह से ये भी सेट है। तो क्लियर है, वेल डिफाइंड मींस कैसा होता है, अगर क्राइटेरिया चेंज कर रहा है पर्सन टू पर्सन तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो सेट नहीं होगा। तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा सेट है, आ गया, हो गया ये? ठीक है। नेक्स्ट अब मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कुछ मेथड्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। वैसे हमने उधर देख ही लिया इंटरवल जब हमने पढ़ा था ना, तो उसमें हम कर्ली ब्रैकेट वगैरह देख चुके हैं, डिस्क्रीट सेट, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, तब भी फिर से एक बार यहां पे मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट। सबसे पहली है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड तो लिख लो इसमें। इन दिस मेथड, तो ये थ्योरी पार्ट जल्दी से लिख लो, ये डेफिनेशन है। इन दिस मेथड सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय
सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन दिस मेथड सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स listing elements separated by commas listing element के बाद comma देखे separated by commas and enclosed in curly bracket and enclosed in curly bracket and enclosed in curly bracket. In this method, set is represented by listing elements, comma, separated by commas and enclosed in curly bracket. तो example से हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे पहला वाला set of natural numbers. Natural numbers less than 10. तो देख लो या तो ए इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. तो इसमें कौन से एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो इनको हमने लिस्ट किया फिर कॉमा से सेपरेट किया एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया इनक्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट. तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म. मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको हम लिस्ट करेंगे कॉमा से सेपरेट करके एंड देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर में बंद कर देंगे. तो ये रोस्टर फॉर्म होगा सेट्स को रिप्रेजेंट करने का. ठीक है. हो गया ये. ठीक है. नेक्स्ट अप सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड. In this method, set is represented by, set is represented by writing the property which gives us all the elements belongs to the set. In this method, set is represented by writing property which gives us all the elements of the set. All the elements of the set. लव अभी यही वाला एग्जाम्पल है. पहला वाला हमने क्या लिखा था? A is set of natural numbers less than 10 ना. लेस देन 10. तो इसी को अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे? सेट बिल्डर फॉर्म में जनरली एक वेरिएबल लिया जाता है, वो होता है x. मतलब यहां से जो x की वैल्यूज आएगी वही वैल्यूज सेट a में बिलोंग करेगी. x सच दैट, जनरली वेरिएबल x रहता है, x सच दैट, ऐसे उसको रीड करते हैं, x सच दैट. x कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए. और कैसा होना चाहिए x? लेस देन 10. तो देख लो, इससे अगर हम x की वैल्यूज निकालेंगे तो क्या क्या आती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to 9. तो इस प्रॉपर्टी से हमें इस सेट के सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं.
ये कौन सा फॉर्म हो गया यहाँ पे इसका, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म होता है, जिसमें हम प्रॉपर्टी लिखते हैं जिससे इसके हमें सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो अब। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट्स इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट्स इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। पहला है जिसमें एलिमेंट्स 1, 4, 9, 16, 25। फिर यहां पे है n नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, तो n में कौन से क्या क्या मिलेगा हमें, 1, 2, 3, 4, 5, और x n स्क्वायर के इक्वल है। n इस सेट में x की जो वैल्यूज आने वाली वही जाएगी, तो x की वैल्यूज देख लो, n की जगह पे 1 पुट करने के बाद, 1, 2 पुट करने के बाद, 4, 3 पे 9, 4 पे 16, 5 पे 25, तो सारे एलिमेंट्स मिलते हैं इस सेट के। तो यही है, यही उसका सेट बिल्डर फॉर्म है। और ये भी एक तरीका होता है जहां पे हम वेरिएबल x लिख रहे हैं ना, तो वही पे उसको विद प्रॉपर्टी लिख ले x स्क्वायर। ये भी एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। ऐसा भी मिल सकता है कहीं पे कि वेरिएबल x की जगह पे ही प्रॉपर्टी लिखी हुई रहे वेरिएबल x, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है x square। और यहाँ पे x कैसा होना चाहिए, अब नेचुरल नंबर nx लेस देन और इक्वल टू 5, ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है। ठीक है सर। हाँ सर, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इन कर्ली ब्रैकेट x इज सच दैट x स्क्वायर बिलोंग टू n, क्या सर, x इज सच दैट x स्क्वायर बिलोंग्स टू n, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, y x स्क्वायर बिलोंग्स टू n, ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि ये इसकी जो वैल्यूज है वो सेट में आती है। Yes. अगला, अगले में पैटर्न क्या है, n cube minus 1 का, तो देख लो उसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, x cube minus 1, x belongs to natural number and x less than or equal to 4, क्या ये सही है क्या? Yes, sir. या तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, x such that, second वाले का ठीक है, ये first का है, ये सेकेंड का, x सच दैट x इज इक्वल टू n क्यूब माइनस वन, जहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
एंड एन लेस देन और इक्वल टू फोर, ऐसे भी लिख सकते हो तुम, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है। और उसके बाद वाले में क्या है, जहां पे x belongs to natural number और x किससे छोटा होना चाहिए, less than or equal to 5। तो देख लो x की जगह पे 1 तो 2, x की जगह पे 2 put करेंगे तो 4, x की जगह पे 3 put करेंगे तो 8, x की जगह पे 4 तो 16 and 5 तो 32। क्लियर है ये? अब रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना। ऐसे ही हम सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तो बहुत आसान है, उसमें तो सीधा वैल्यूज पुट करते हुए चलना है और आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से लिख लो इसको, चलो नेक्स्ट अप टाइप्स ऑफ सेट्स। तो जल्दी जल्दी लिखो ये डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो उसमें सबसे पहले है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट भी कह सकते हैं इसको, या नल सेट, ठीक है, या नल सेट भी कह सकते हैं। Set which contains, set which contains no element, set which contains no element, set which contain no element is called as empty set and it is denoted by phi या curly bracket के अंदर में कुछ भी नहीं, इस तरीके से उसको denote करते हैं, ठीक है। मतलब किसी set में अगर एक भी element नहीं आ रहा है तो उसको हम represent किससे करते हैं, या तो phi से या करली ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी नहीं। ऐसे एग्जांपल्स हम देख चुके हैं कि एक्स कुछ भी नहीं आता है, एम्प्टी आता है। इसमें भी रिसेंटली हमने कहां पे देखा, लोकेशन ऑफ रूट में, इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आ रही थी अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा के सेट में कुछ भी नहीं होगा, तो अल्फा बिलोंग्स टू क्या, फाइव, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट तो नाम से ही हम बता सकते हैं, सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट is called as singleton set, ठीक है, is called as singleton set। example पे, example के लिए पहला है set of even prime numbers, set of even prime numbers, तो इसमें
क्या आने वाला, एक ही एलिमेंट, ठीक है, टू, फिर उसके बाद सेकेंड सेट ऑफ इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. A set of number which is neither positive nor negative. कौन सा ऐसा number? Zero. Zero. Zero ही ऐसा number है जो ना तो positive है ना negative है. तो curly bracket के अंदर में एक element. ये यहाँ पे singleton set है, ठीक है. Curly bracket के अंदर में zero आ रहा है मतलब zero एक उसका element है. यहाँ पे curly bracket के अंदर two आ रहा है मतलब two एक उसका element है. तो ये singleton set. Curly bracket के अंदर में अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो empty set. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे सिंगलटन के, ठीक है. नेक्स्ट अब थर्ड, ये हो गया. यस सर. थर्ड पे आ जाते हैं. फाइनाइट सेट. Set which contains finite number of elements. तो अभी तक जितने भी examples हमने देखे है ना वो finite set के, जैसे ये वाला, ये भी finite है. Empty set को भी हम finite कह सकते हैं, इसके अंदर में एक भी element नहीं है ना, तो एक तरीके से zero element है. तो फाइनाइट सेट ही कहाँ जाएगा ये? ये जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे हमने देखे ये सारे फाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं. इसमें देख लो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है. फिर उसके बाद फोर्थ आ जाता है इनफाइनाइट सेट. अब सेट विच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं. तो ये टाइप्स ऑफ सेट्स हो गए, ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं अब ऑर्डर ऑफ सेट. ऑर्डर ऑफ सेट या इसी को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, इसी के ऊपर आगे हम थ्योरम देखने वाले हैं, थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर. तो ये होता क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, एलिमेंट्स इन द सेट is called as its order या cardinal number. उसकी order कहेंगे या तो cardinal number कहेंगे हम. Number of elements in the set is called as its order या cardinal number. तो example के लिए और हमने ये लिया है 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पे A में 5 elements है तो उसको represent करना है तो ऐसे n of A नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन है या तो ऑर्डर ऑफ ए, ये कितने है यहाँ पे 5. तो जनरली यही लिखा हुआ मिलता है हर जगह पे एन ऑफ ए. तो कहीं कहीं पे अगर ओ ऑफ ए में लिखा हुआ मिलेगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, इससे भी हम उसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. ये हो गया ऑर्डर या तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट.
नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, टू सेट्स, टू फाइनाइट सेट्स, टू फाइनाइट सेट्स। और हर एक चीज, ये जो ऑर्डर होती है ना, ये किसमें डिफाइन होगी? अब सिर्फ फाइनाइट सेट में डिफाइन होगी, इनफाइनाइट सेट में ऑर्डर डिफाइन नहीं होती है, उसमें ऑर्डर वाला कंसेप्ट ही नहीं आता है, वो सिर्फ आता है फाइनाइट में। तो इक्विवेलेंट सेट्स, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ, इफ, इफ देयर ऑर्डर इज सेम, इफ देयर ऑर्डर इज सेम, इफ देयर ऑर्डर इज सेम। तो ये सेट ए में एलिमेंट्स 1 2 3 4, सेट बी में एलिमेंट्स ए बी सी डी। तो यहाँ पे एन ऑफ ए कितना है 4 और एन ऑफ बी भी कितना है 4, देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स है। यहाँ पे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स क्योंकि ऑर्डर सेम है, ठीक है, अंदर के एलिमेंट सेम रहे चाहे ना रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए दोनों में, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। ये इक्विवेलेंट सेट्स का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। Two sets, two finite sets A and B are said to be equal sets. Two finite sets A and B are said to be finite sets if they contain same elements, they contain same elements. Two sets, two finite sets A and B are said to be equal sets if they contain same elements. मतलब ये सेट है A है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एंड सेट B है इसमें भी अब सेम एलिमेंट्स होने चाहिए 1 2 3 4, तब जाके हम कहेंगे यहाँ पे ए एंड बी को इक्वल सेट्स, एंड ए इक्वल टू बी आएगा, ठीक है। मतलब इनकी ऑर्डर भी सेम है और जो एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं और जो एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स सेम है, तो ये इक्वल सेट्स है। तो इक्वल सेट्स को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं क्योंकि ऑर्डर तो सेम रहने ही वाली है। तो ये हो गया इक्वल सेट्स, लिख लिया सभी लोगों ने। ये थ्योरी पार्ट है, इसमें तो मेरे ख्याल से नहीं समझने लायक तो कुछ भी नहीं, डेफिनेशन है बस जो लिखनी है हमें, और थोड़ा बहुत समझना है क्या होता है उसमें। इन दिस मैटर नहीं करता है कि
फोर फाइव कुछ भी लिखो इस तरीके से, फोर थ्री टू वन, ये ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है, ये लिस्टिंग है एलिमेंट्स की, तो ये एक तरीके से सेम ही है। पहले फोर लिखो थ्री लिखो कोई मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे तो सेम ही आएगा पूरा। ठीक है अनुष्का, वो ऑर्डर्ड पेयर्स में होता है, वो हम बाद में देखेंगे। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, लेकिन वो ध्यान रखना अभिषेक, अभी हमने बोला कि सेट्स कैसे होने चाहिए फाइनाइट, तो ऑड नंबर का सेट हम फाइनाइट थोड़ी बोल सकते हैं, एनी वन नंबर का भी नहीं बोल सकते हैं, तो इसकी वजह से उसमें ऑर्डर ही डिफाइन नहीं होती, तो उसको इक्वल या इक्विवेलेंट करने की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम, सबसेट्स एंड सुपरसेट्स। सबसेट एंड सुपरसेट, सबसेट एंड सुपरसेट, सबसेट एंड सुपरसेट। तो लिखो इसमें, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ एवरी एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, is present in set B, then A is subset of B and B is superset of A. तो उस केस में ए बी का सबसेट होगा एंड बी ए का सुपरसेट होगा। ठीक है, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं तो ए बी का सबसेट एंड बी ए का सुपरसेट रहेगा। और इसको डिनोट करने का तरीका देख लो, एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड बाय इस तरीके से, A and it is denoted by this. तो इस साइन को ऐसे प्रोनाउंस करने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ सबसेट बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे दो चीजें देखो, जैसे लेस देन और इक्वल टू में, नीचे वाला डैश में वही बताने वाला हूं, रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हम आएंगे। इसमें दो चीजें होती, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, क्या यह सही है, क्या यह बताओ, जीरो लेस देन वन सही है क्या? And zero less than or equal to one? No sir. Yes. सही नहीं क्या second? Yes sir. सही है ना? इसमें मतलब क्या है? या तो less than हो या equal to हो। तो पहले वाले less than satisfy हो रहा, यहाँ पे भी less than satisfy हो रहा, तो ये सही है। And अगर मैं ऐसा लिखूंगा, क्या ये सही है क्या? Yes, sir. यहाँ पे मान लो लेस देन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लेकिन इक्वल टू तो होता है ना, तो दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होना चाहिए। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे रहता है, अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, ए मतलब ए और बी दोनों इक्वल सेट्स हो गए, ए में भी मान लो ये एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड बी में भी एलिमेंट है 1 2 3 4, तो ए इक्वल टू बी है,
लेकिन हम जैसे जीरो लेस देन और इक्वल टू जीरो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो या ये भी सही रिप्रेजेंटेशन है, तो उस केस में ए इज सबसेट ऑफ बी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हो जाएगी, इक्वल टू यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर सेट ए ये है एंड सेट बी ये है, तो यहाँ पे इक्वल टू वाला सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसकी वजह से ये सही रिप्रेजेंटेशन रहेगा इसमें। लेकिन अगर मान लो ये है, तो यहाँ पे ए में ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है एंड ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी से कम है, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी से कम है, तो इन दोनों को देखो, ये जैसे दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है, ए जीरो लेस देन ए वन एंड जीरो लेस देन और इक्वल टू वन, तो सेम उसी तरीके से ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है एंड ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है बी से, तो उसमें ये रिप्रेजेंटेशन भी सही रहेगा एंड ये भी सही रहेगा, क्योंकि मान लो भले ही यहाँ पे इक्वल टू वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो होता है ना सेटिस्फाई, तो दोनों रिप्रेजेंटेशन इसके लिए सही है। क्लियर है अब? अगर इक्वल आ रहे हैं तो तुम ए इक्वल टू बी लिखो या इस साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या सेटिस्फाई होगा, इक्वल टू सेटिस्फाई होगा, लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स बी में है लेकिन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है जैसे ये, तो उसमें ये वाला रिप्रेजेंटेशन भी सही है एंड ये वाला रिप्रेजेंटेशन भी सही है, क्योंकि ये भले ही यहाँ पे इक्वल टू वाला नहीं सेटिस्फाई हो रहा होगा, लेकिन ये वाला ऊपर वाला तो होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे भी हम लिख लेते हैं, उससे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ऐसे देख लो, एग्जाम्पल में ये है, ए में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 एंड बी में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट, ए बी का सबसेट रहेगा, दिख रहा है क्लियरली, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम आते हैं। लेकिन अगर ए में यहाँ पे 5 लिखा हुआ रहता और हम इससे रिप्रेजेंट करने जाते तो रिप्रेजेंटेशन गलत, ठीक है, यहाँ पे 5 रहता तो उस केस में कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही, ए इक्वल टू बी एंड ये वाला, दोनों रिप्रेजेंटेशन सही रहते, क्योंकि यहाँ पे भले ही वो लेस देन वाला नहीं सेटिस्फाई हो रहा लेकिन इक्वल टू वाला तो होगा उस वजह से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे 4 ही एलिमेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, तो ए सबसेट ऑफ बी, या तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4 एंड बी में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, यही है, तो यहाँ पे कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है, ये भी सही है, या तो ए इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं हम लोग, तो दोनों सही है। क्लियर है अब ये रिप्रेजेंटेशन? किसी को कोई डाउट इसमें? उल्टा भी लिख सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसा भी सही है यहाँ पे लिखना, बी इक्वल टू ए, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सेम चीज है ना, बी के सारे एलिमेंट सेम है, तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, इस तरीके से ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए लिखा हुआ है, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ए इक्वल टू बी होगा। ये भी सही है रिप्रेजेंटेशन और ये भी सही है। हो गया? और ध्यान रखना, दो सेट्स में रिप्रेजेंट है, मतलब रिलेशन दिखाना है हमें, ये देख लो, ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है, दो सेट्स में रिलेशन दिखाना है, तो हमेशा ये सबसेट वाले साइन यूज होंगे, मतलब ये तीन साइन, या तो इक्वल टू वाला या सिर्फ ये या तो दोनों का कॉम्बिनेशन, ये तीन साइन यूज होंगे, या तो डज नॉट सबसेट वाला, ये चार। क्लियर है?
जब दो सेट्स में रिलेशन दिखा रहा है तो ये चार साइन या तो इक्वल हो सकता है या सबसेट, इसका नाम है भी लिखेंगे हम उसको भी, या तो ये वाला एक साइन आएगा या डज नॉट बिलोंग, मतलब ये डज नॉट सबसेट वाला, जब दो सेट्स में रिलेशन दिखाने हैं तो। और एलिमेंट में और सेट में रिलेशन दिखाना है तो कौन सा साइन आता है? बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू का साइन आता है, ठीक है। एलिमेंट में और उसमें रिलेशन दिखाना है तो बिलोंग्स टू का साइन आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना टू और फॉल्स में बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो नोट करके कुछ पॉइंट्स लिख लो अब। और एक उसके पहले एक चीज ये बताओ, ये एग्जांपल में लिखता हूँ, ये दो हो गए ना एग्जांपल, तीसरा एक लिख लो यहाँ पे। ए में एलिमेंट से 1 2 3, बी में एलिमेंट से 2 3 4 5, तो ये बताओ क्या ये ए बी का सबसेट होगा क्या? No. क्यों नहीं होगा? All elements of A is not present in B. मतलब यहाँ पे एक गलत एलिमेंट हम दिखा सकते हैं ना, मतलब वन जैसे ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है, भले ही टू एंड थ्री ए में है एंड बी में भी है, लेकिन ए में ऐसा एक एलिमेंट हमें मिल रहा है जो ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक गलत केस हम दिखा रहे हैं, दिखा सकते हैं यहाँ पे। वो गलत केस कौन सी? वन वाली, वन ए में है लेकिन बी में नहीं है, इसकी वजह से ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। फिर उल्टा देखेंगे, क्या बी ए का सबसेट है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट मिल रहे हैं, दो गलत केसेस हम दिखा सकते हैं, फोर एंड फाइव वाली, तो B is not subset of A. तो subset नहीं होने के लिए at least एक गलत केस हम दिखा सकते हैं, ऐसी चीजें ढूंढनी है, ऐसी पॉसिबिलिटी हमें मिलनी चाहिए, जैसे ये at least एक गलत केस, मतलब A B का subset है या नहीं है वो चेक कर रहे हैं, तो वो नहीं हो रहा है इस वन की वजह से। B A का subset है या नहीं है वो चेक करने गए तो वो नहीं हो रहा है इस फोर एंड फाइव की वजह से, तो यहाँ पे दो केसेस। तो उसी तरीके से इसी पॉइंट की हेल्प से हम आगे पॉइंट लिख रहे हैं। पहला वाला तो आता है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्लियर है? ये तो सही है, अभी हमने देखा इसके पहले वाला, ये रहा 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कोई भी सेट खुद का सबसेट तो रहेगा ही। Every set is subset of itself. लेकिन तुम phi के बारे में बताओ, क्या ऐसा हम बोल सकते हैं क्या phi is subset of every set? Yes sir. Subset and superset is वैलिड फॉर इनफाइनाइट सेट्स, हाँ होगा ना, सबसेट्स एंड सुपरसेट्स वैलिड होगा इनफाइनाइट सेट्स के लिए। अगर मैं नेचुरल नंबर बोलूंगा एंड होल नंबर बोलूंगा तो कौन किसका सबसेट आता है? नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स का आते हैं, है ना, तो सही है, इनफाइनाइट्स के लिए भी होता है वो सबसेट एंड सुपरसेट्स, ठीक है। यहाँ पे फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट किस वजह से, कुछ भी गलत केस हम नहीं दिखा सकते यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सबसेट नहीं होने के लिए एटलीस्ट एक गलत केस हमें मिलनी चाहिए, जैसे यहाँ पे हमें मिल रही थी वन यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ हम दिखा सकते हैं क्या कि जो फाइव में रहेगा, और जैसे मान लो हमने सेट ए लिया है 1 2 3 4 1 2 3, चलो सेट, तो जो फाइव में है लेकिन ए में नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई एलिमेंट है? नहीं है, तो इसका मतलब हम गलत कुछ नहीं दिखा सकते हैं, इस वजह से ये क्या हो जाता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट, ध्यान रखना। फिर उसके बाद इफ
order of a या cardinal number of a is n, then number of subsets of a आ जाते हैं 2 की पावर n. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए आ जाते हैं 2 की पावर n. अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है देन उसके कितने सबसेट्स आएंगे 2 की पावर n आएंगे. वो हम देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला आता कैसे है. यहाँ पे देख लो, पहले हम एक एलिमेंट से शुरू करते हैं. ए में एक एलिमेंट है तो इसके सबसेट्स क्या क्या रहेंगे. एक तो फाई रहेगा एंड दैट सबसेट, दैट सेट इटसेल्फ है कि नहीं. अगर हम ए में दो लेते हैं एलिमेंट्स 1 2 तो इसके सबसेट्स देख लो. सबसे पहले तो 5, फिर एक एक एलिमेंट वाला सेट, ये कर्ली ब्रैकेट 1 भी इसका सबसेट रहेगा एंड कर्ली ब्रैकेट 2 भी इसका सबसेट रहेगा क्योंकि इस सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट है. एंड देन वो सबसेट, वो सेट खुद, तो ऐसे 4 रहेंगे. ऐसे अगर हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं 1 2 3 तो इसमें सबसे पहले तो 5 आएगा. सबसेट्स निकाल रहे ठीक है, ये लिख रहा है. फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट का सेट, कर्ली ब्रैकेट 1, कर्ली ब्रैकेट 2, कर्ली ब्रैकेट 3, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 1 2, दो दो का लिख रहे हैं अब 1 3 एंड 1 2 3 एंड फाइनली 3 का. तो इस तरीके से टोटल कितने आ जाएंगे 8. तो देख लो, अगर एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, दो एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 2, 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3. तो इस तरीके से पैटर्न मिलता चला जाता है. तो अगर n एलिमेंट्स रहेंगे तो 2 की पावर n. क्लियर है? हाँ, वहां से भी बोल सकते हो लेकिन अभी पीएनसी थोड़ी बताया मैंने. वो एनसीआर क्या होता है, जब वो बाइनोमियल में हम देखेंगे उस टाइम पे बता दूंगा. ठीक है अभिषेक? तो लिख लो इसको जल्दी से. हो गया? ठीक है. प्रॉपर सबसेट के बारे में आप लिखते हो. प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसे मैं चौथा पॉइंट लिखना, प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, all elements of set A are present in set B and number of elements in A, number of elements in A is less than number of elements in B, is less than number of elements in B, then A is called as
proper subset of B. Then A is called as proper subset of B. Then A is called as proper subset of B. इसका मतलब ये है, A के सारे elements, example इसके पहले भी हमने देखा, and B में elements है 1, 2, 3, 4, 5. तो A के सारे elements B में present है, and number of elements in A is less than number of elements in B. तो यहाँ पे A is proper subset of B. A is proper subset of B. तो इसको represent करने के कितने तरीके हैं? दो. एक तो ये वाला भी सही है यहाँ पे, एंड ये वाला भी सही है, दोनों सही है, क्योंकि इसमें ये वाला साइन डिफाइन हो रहा है, भले इक्वल टू ना सेटिस्फाई हो रहा हो, लेकिन ये वाला तो सेटिस्फाई हो रहा है, इस वजह से दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है प्रॉपर सबसेट के लिए. ठीक है, एग्जांपल है ये. एंड इसमें बताओ, अगर मैं ये ले रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एन, तो ये बताओ कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट होता है क्या? नो सर. नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होने चाहिए. तो यहाँ पे एन ऑफ ए, एन एलिमेंट्स है, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बताओ कितने आएंगे? 2^n-1. क्योंकि कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा. तो देख लो यहाँ पे, तो इसकी अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने, तो सिर्फ ये आएगा, ये वाला नहीं होगा. इसमें देखेंगे तो ये वाला प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसमें देखेंगे तो ये वाला नहीं होगा. इसका मतलब ये जो भी फॉर्मूला डिराइव है पूरे में से हमें एक माइनस करना पड़ेगा हमेशा, तो 2^n-1, और ये 1 किसका रहेगा? दैट सेट इटसेल्फ का. ठीक है, क्लियर है? ये हो गया सबसेट सुपरसेट के बारे में पूरा थ्योरी पार्ट. प्रॉपर सबसेट भी आ गए उसमें, रिप्रेजेंटेशन भी हमने देख लिया. ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं, प्रॉपर सबसेट्स कितने बनते हैं, उसका फॉर्मूला हमने देख लिया. अब एक और चीज आती है इससे रिलेटेड, सबसेट से रिलेटेड है, उसको कहते हैं पावर सेट. वो भी लिख लो यहाँ पे, पावर सेट. नेक्स्ट, पावर सेट. तो लिखो इसमें सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड एज पावर सेट ऑफ ए, इज कॉल्ड एज पावर सेट ऑफ ए. मतलब ए के जितने भी सबसेट्स आएंगे उनका सेट, ए के जितने भी सबसेट्स आएंगे उनका सेट कहलाता है पावर सेट ऑफ ए. पावर सेट ऑफ ए कहलाता है. ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. अब जैसे A में हमने एलिमेंट्स लिए हैं, एक एलिमेंट लिया है, तो पावर सेट ऑफ A हमें चाहिए. तो पहले तो इसके सबसेट बताओ क्या क्या कितने आएंगे? दो. तो पावर सेट में दो एलिमेंट रहने वाले, कौन सा? एक तो फाइ रहेगा, इसके सबसेट एक फाइ आता है, and that set itself, तो ये दोनों subsets होंगे इसके. अब उनका set वो कहलाता है power set of A. अगर मैंने A में elements लिए है 1, 2, तो अब ये बताओ इसके power set में कितने elements आएंगे?
फोर जिसके जितने इसके सबसेट्स होंगे उतने एलिमेंट्स पावर सेट में आएंगे. तो कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो एक तो फाइव आएगा, फिर कर्ली ब्रैकेट वन आएगा, कर्ली ब्रैकेट टू आएगा, कर्ली ब्रैकेट वन टू, ठीक है. तो इतने एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है. किसी को कोई डाउट इसमें? अब पावर सेट क्या होता है? हो गया? Yes. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं. इसके ऊपर मेन जो क्वेश्चंस होते हैं वो वेन डायग्राम, कार्डिनल नंबर उससे रिलेटेड रहते हैं, लेकिन वो समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है हमें. तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? जल्दी जल्दी बताओ अभी ये. पहला बताओ ट्रू है या फॉल्स? ट्रू. ट्रू है ना. दूसरा फॉल्स. फॉल्स क्योंकि सेट्स में रिलेशन दिखाना है तभी ये आता है, एंड सेट्स होने के लिए उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में होना जरूरी है एलिमेंट्स को, तो ये फॉल्स है. ये अगला, ये एक सेट है सिंगलटन सेट, इसमें एलिमेंट वन आता है. तो देख लो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, तो सबसेट ट्रू. ये सही है क्या? फोर्थ फॉल्स है उस रिप्रेजेंटेशन की वजह से. ये वाला सही है क्या? ट्रू. ट्रू है ना. तू देख लो कर्ली ब्रैकेट वन, ये एक सेट का एलिमेंट है. इस सेट में दो एलिमेंट है, वन एंड कर्ली ब्रैकेट वन. तो कर्ली ब्रैकेट वन बिलोंग्स टू, ये बोल सकते हैं हम. तो सेवेंथ लिखने की जरूरत, चलो लिख लो. ये वाला बताओ अगला सही है? ट्रू. ट्रू है, इसके अंदर के एलिमेंट्स देख लो यहाँ पे प्रेजेंट है दूसरे वाले में, तो इसकी वजह से ये ट्रू है. ये अगला ट्रू आएगा, ठीक है. तो लिख लो इसको जल्दी से. सर वो सिक्स में बिलोंग्स टू या सबसेट का सिंबल है? सबसेट है वो, डैश तो उसी में आता है ना.
चलो ठीक है, नेक्स्ट अप उसके बाद है ये ए में एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है, देन फाइंड एलिमेंट्स ऑफ P of A, इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब A इज इक्वल टू 5 है, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P of A, ठीक है। एंड A में अगर मान लो दो एलिमेंट्स है, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P of A, जल्दी करो। पहले वाले में एलिमेंट्स कौन से होंगे ये फाइंड आउट करना है, उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पहला वाला आ गया, yes, sir. पहले हमें A का पावर सेट निकालना है और जो P of A आता है फिर उसका पावर सेट निकालना है। तो देख लो पहले P of A में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो 5 एंड करली ब्रैकेट 1। अब इसके सबसेट्स कितने बनते हैं बताओ P of A के? 4। 4, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स है तो इसके सबसेट्स बनेंगे 4। तो इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स आने वाले, वो कौन से? एक तो 5, फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट का सेट। अब यहाँ पे ये वाला 5 एज ए एलिमेंट है एंड ये कर्ली ब्रैकेट 1 भी एक एलिमेंट है, तो कर्ली ब्रैकेट 5 एंड कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट 1, एक एक एलिमेंट का सेट और दो एलिमेंट का सेट। अब इन पूरे का एक सेट ये हो जाता है P of A, क्लियर है? पहला क्लियर है? पहले A के सबसेट्स, फिर P of A के सबसेट्स एंड उनका सेट होता है P of A। और ये नेक्स्ट एग्जांपल देख लो कौन सा है, ये जब A 5 है, जब A 5 है तो N of A बताओ कितना है? 0। तो A के कितने सबसेट्स आएंगे? 1। तो P of A में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? 2 की पावर 0, दैट इज 1, है कि नहीं? क्योंकि A के जितने सबसेट्स उतने ही एलिमेंट उसके पावर सेट में आते हैं ना। तो A में एलिमेंट 0 है तो उसके पावर सेट में एलिमेंट 2 की पावर 0, दैट इज 1। अब उसके बाद P of A में एलिमेंट्स कितने होंगे वो हमें चाहिए। तो P of A में एलिमेंट, एक एलिमेंट आ रहा है तो इसके कितने सबसेट्स बनते हैं? 2 की पावर 1। तो यहां से इसमें 2 आ जाएंगे। ऐसे ही अब इसमें 3 बार P लगाना है। तो ये देख लो P of A, तो ये P of A में कितने एलिमेंट्स है? ये 2 की पावर 1, तो 2 एलिमेंट्स है। तो इसके सबसेट्स कितने आएंगे? 4। तो ये देख लो 2 की पावर 2, इतने एलिमेंट्स रहेंगे P of A के पावर सेट में। ये क्लियर है क्या बताओ? पहले A में एलिमेंट 0,
तो उसके कितने सबसेट्स, एक सबसेट्स, तो उसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 की पावर 0 1, फिर P ऑफ A में एलिमेंट 1 आ रहा है तो उसके पावर सेट में मींस P ऑफ A में एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 2 की पावर 1, और P ऑफ A में एलिमेंट्स 2 आ रहे हैं तो उसके पावर सेट में मींस P ऑफ A में एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 2 की पावर 2, दैट इज 4। ये क्लियर है? ठीक है, अगले वाले में देखो। आप ए में एलिमेंट्स कितने लिए हैं 2, तो एन ऑफ ए हो जाएगा 2, तो एन ऑफ पी ऑफ ए, तो ए के सबसेट्स कितने आ जाते हैं 2 की पावर 2, तो उतने ही एलिमेंट्स रहेंगे इसमें। उसके बाद इसका पावर सेट निकालना है तो उसमें एलिमेंट्स कितने आने वाले हैं 2 की पावर 4, दैट इज 16। एंड इसके पावर सेट में P ऑफ A के पावर सेट में एलिमेंट्स, तो P ऑफ A के कितने सबसेट्स आएंगे 2 की पावर 16, तो उतने ही एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? आप चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बाकी कल अपनी क्लास होगी सेकेंड स्लॉट में, उसमें हम वेन डायग्राम और लॉस देखेंगे, एंड फिर परसों वाले क्लास में कार्डिनल नंबर, तो ये इसका लास्ट होगा। ठीक है, ओके देन, चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।